डिटरमिनेंट के बच्चे डाउट, डिटरमिनेंट पेज नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 1 to 7, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डाउट्स, शादी का पट्टी का सहज निश्चय डाउट बेटा 1 to 7 में, 1 to 7 डाउट, वेरी गुड, 1 + 7 इज 8, 8 क्वेश्चन में डाउट है, अरे 1 to 7 में कोई डाउट है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है आपको, क्वेश्चन में डिटरमिनेंट को पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको बोल रहा है दिस इज डिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको पूरा सॉल्व ही करना है, दिस इज एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन माइनस एक्स 1 cos थीटा 1 x, सॉल्व करिए इसको, एक्सपैंड करो फर्स्ट रो के अलोंग, दिस इज x मल्टीप्लाइड बाय माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस sin थीटा विच इज इक्वल टू माइनस x sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस, sin माइनस लगा हुआ है, माइनस साइन प्लस एक्स कॉस थीटा मल्टीप्लाई करिए फर्दर, दिस इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इसमें से, और इन दोनों में से x कॉमन ले लो, ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 इनटू x इज x, ये हमारा माइनस x कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास बच गया माइनस x क्यूब, और पहला ऑप्शन बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ x, गलत हो गया, सी वो सी पार्ट बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ थीटा x, वो भी गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसके बाद 9 to 13, 9 to 13 में 11 वाला समझा रहा है, 9 to 13 ये नोट कर लिया जी बेटा, किसी का ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाता है, एंड इसके अंदर ए आई आई जीरो होता है, हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो हमारे सारे सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, आपको बोल रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर एन, मतलब एन की वैल्यू में नेगेटिव आपकी ऑड नंबर में है, सो इन दैट केस पहला आपको बोल रहा है कि जो उसका डिटरमिनेंट होगा वो जीरो होगा, क्या ये ट्रू है, क्या अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या डिटरमिनेंट जीरो होगा, क्या मेरे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ऑड ऑर्डर बोल रहा मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि इसका ऑर्डर 3 है, तो क्या उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, अब ये वैसे तो नहीं होगा बट टेस्ट कर लो खुद ही, आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है 0 0 0 A, A, B, B, C, C. ऐसी रहेगा क्या, यही होता है क्यू सिमेट्रिक नहीं, इसमें क्या होगा माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ लगा लो तो यहाँ नहीं होगा, ऑल्टरनेटिवली हमारे मूवमेंट होते हैं ये दोनों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज होगा और वापस नेगेटिव के इक्वल ही आ जाएगा ये आपका,
तो हमारा ये रहेगा, अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करूंगा तो 0 into 0 into this 0 minus c 0 plus a, a के साथ लेंगे तो आ जाएगा a minus c minus b 0 plus b a 0 minus b c. ये वाला हमारा 0 लगता है, बट ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, तो पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा गलत हो गया. सेकंड आपके पास बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to minus 1. ये भी मैं ट्रू नहीं बोल सकता, a b c d की वैल्यू मैं सकते कुछ भी हो सकती है, कोई और नंबर हो सकता है, ये भी हमारा ट्रू नहीं होगा. देन वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to डिटरमिनेंट ऑफ a डैश. थर्ड ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ a, कह रहा भाई हमारा a ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, व्हिच इज ट्रू. और लास्ट वाला नन ऑफ दीस, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा. क्लियर है? हां बेटा पीछे आंसर फर्स्ट वाला दे रहा है, बट आप इसको खुद सॉल्व करके देखो कि डिटरमिनेंट का आंसर 0 क्यों आएगा. अगर नहीं 0 आएगा, आप भी क्वेश्चन को पिक करके देखो, सॉल्व करोगे इसका डिटरमिनेंट, अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्सपैंड में आपके सामने करके दिखाया, ये तो हमारा 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा हमारा. इस वाले को सॉल्व करोगे तो a into plus bc, तो abc आ गया. ये इसको सॉल्व करोगे आ गया abc, यहां पे सॉल्व करेंगे तो b into ac, b into ac, ये तो 2 abc आ गए. कहां है आए? ठीक है, दे रहे ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ ये वाला एलिमेंट आएगा तो जीरो. तो पहले वाली याद है, पहली कंडीशन ट्रू है. कौन से वाला? थर्ड वाला भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोज अगर ए का डिटरमिनेंट होगा वही ट्रांसपोज का भी होता है. थर्ड वाली कंडीशन भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है. ये शादी का ही आपको एग्जांपल लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, बिना एग्जांपल के सॉल्व नहीं होगा. 12th वाले का बुक के पीछे का सॉल्यूशन देखो आप, दिस वाज 12th नहीं 11th. में तो सिर्फ डिटरमिनेंट 0 दिखा रहा है, बट आपके पास ये वाला भी रहेगा, कोई भी केस कंसीडर कर लेना, उससे ये भी आएगा आंसर. 13 डाउट आगे 14 to 20. फोर्टीन और 16 डाउट है. फोर्टीन वाले में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. मैक्सिमम वैल्यू से पहले ये देख लीजिए कि आपके जो साइन थीटा होता है that is always less than equal to 1. cos theta की maximum value कितनी होगी? cos theta की maximum value that is again कितनी हो जाएगी? 1 आ जाएगी. expand करिए इसको, this is 1 1 1. maximum value निकालिए, determinant की इसको solve करो, सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज का यूज करो. R3 गोज टू R3 माइनस R1, प्रॉपर्टी सिलेबस से कट चुकी है पर आप लोगों ने पढ़ रखी है. सॉल्व कर लो, ये नीचे आ गया 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा. 14 डाउट था ना? यस सर. 14 भी तो है. अब एक्सपैंड कर लो इसको लास्ट रो के अलोंग, यहाँ पे और भी आप सॉल्व कर सकते हो और जीरो क्रिएट कर सकते हो. कैसे? C3 में C1 माइनस कर लो, C3 गोज टू C3 माइनस C1, 1 1 0 1 1, का साइन थीटा 0 0 0, कॉस थीटा. एक्सपैंड कर लो इसको, फर्स्ट रो के लॉन्ग भी एक्सपैंड कर लो, हमेशा उसी के लॉन्ग आप लोग एक्सपैंड करते हो, बाकी के लॉन्ग प्लस माइनस की गलती कर लोगे. इसके साथ में आपके बचेगा 1 प्लस साइन थीटा 0 0 cos थीटा. सेकंड वाले पे माइनस 1 रहेगा हमारा, 1 0 0 cos थीटा प्लस 0 इनटू समथिंग. इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके साथ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा, जो हमारे पास आ रहा है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा.
अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन ही आ जाएगी। इसमें आंसर क्या दे रहा है, 1 by 2 दे रहा है, क्यों दे रहा है 1 by 2, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू। अब साइन जो है थीटा अगर 90 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 और यहां पे कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, तो वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। थीटा अगर 0 हो जाएगा, थीटा 0 तो साइन 0 * कॉस 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 * 1 बराबर 0, तो 0 और 90 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 0 आ रही है। इसका मिडिल पॉइंट क्या है 45 डिग्री, थीटा को 45 पुट करो, साइन 45 * कॉस 45, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 1/√2, कितना आंसर आ गया 1/2 आ गया। इसके बाहर कहीं भी जाएगा उसका आंसर लाइन ही करेगा, क्योंकि 90 पुट करूंगा तो साइन मैक्सिमम रहेगा लेकिन कॉस हिल जाएगा, 0 पुट करूंगा तो साइन 0 होगा कॉस की वैल्यू रहेगी, तो मिडिल पॉइंट इसका आ जाएगा 1/2 टू 45 डिग्री पे 1/2 आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे हो गया ये समझ जाना जी बेटा। आपको क्वेश्चन में आपके पास है a1 b1 1 a2 b2 1 एंड देन वी हैव a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 1 और डिटरमिनेंट आपको कह रहा है कोलिनियर है, कोलिनियर है तो इसका एरिया 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अब अगर मैं r3 गोज टू r3 माइनस r1 प्लस r2, r1 और r2 को ऐड करके नीचे माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा a1 b1 1 a2 b2 1 a1 प्लस a2, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, दोनों को ऐड करके माइनस कर दूंगा फिर 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 1 माइनस 2 इज माइनस 1 1 माइनस 2 इज माइनस 1। अब नीचे वाली रो को ऊपर ऐड कर दो, so we can say that r1 में भी कर देते हैं, r1 goes to r1 plus r3, r2 goes to r2 plus r3, इसको ऊपर ऐड करो तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। this is a1 b1 0 a2 b2 0 0 0 minus 1 is equal to 0। और इसको एक्सपैंड कर लो, फर्स्ट रो के अलोंग ये एक्सपैंड कर लेंगे तो आ जाएगा a1 b2 0 0 minus 1 minus b1 a2 0 0 minus 1 plus 0, यहां से आ जाएगा a1 into minus b2 minus minus plus a2 b1 is equal to 0, we can say that a1 b2 is equal to a2 b1। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा वाला है, A1 B2 is equal to B. सेकंड वाला बी पार्ट है इसका आंसर,
नॉर्मल डिटरमिनेंट को एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा, और जो ऑप्शन ये सर ये बिना रो ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं हो सकता। अगला डाउट हो रहा होता तो बेटा बढ़िया था ना, और क्या करोगे बिना उसके एक्सपैंड हो ही नहीं सकता ये। 21 से 27 डाउट था या करा था? करा दो छोले भटूरे मिलते सर, छोले भटूरे और डाल दो सर, बर्थडे की पार्टी मिलेगी तो कराना, दो भटूरे एक्स्ट्रा लेंगे। 21 to 27 जसलीन एहसास करेनी संजय करेनी पापा दुबई से हैं, पार्टी करती है सर वो भी सर का एक ग्रांट होता है। हाँ जी कोई डाउट नहीं। 28 to 33 में 28 डाउट है, ये भी देख के डाउट है नहीं दिखाओ। बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करके डाउट में ज्यादा ये अच्छे हैं सर। माइनस 20 बड़ा 28 टू 33 निश्चय सना पढ़ने का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा आप लोगों ने। परनीत ट्वेंटी सेकेंड में भी डाउट है। मतलब ट्वेल्थ में एक एक घर फोन करके बोलना पड़ेगा क्या आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं करा, अपने बच्चे को होमवर्क कराओ, वही बोलेंगे तो साढ़े इंस्टाग्राम पे लगा रहता अपने पास ही बिठा लो। 22 इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 लास्ट वाले पॉइंट को वन ले लेंगे माइनस वन कॉमा टू वन, और जो थर्ड पॉइंट होगा हम लोग कंसिडर कर लेंगे एक्स कॉमा वाई है, क्योंकि लाइन है, लाइन रहेगी तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया जीरो हो जाएगा। तो तीन पॉइंट्स को लीजिए लोगे तो एक तो लाइन बनेगी, तो तीसरा पॉइंट मैंने खुद ये कंसिडर कर लिया आर्बिट्री, क्योंकि एक पॉइंट हमारे पास 2, 3 है, एक है माइनस वन कॉमा टू, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया एक्स कॉमा वाई, इक्वेशन निकल जाएगी इसकी। अब जिसपे इसकी इक्वेशन डिटरमिनेंट ना निकालनी हो वो इसकी इक्वेशन आपका स्टेटमेंट हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा उससे भी निकाल सकते हैं। तो 9 पे 3 पॉइंट गिवन होते हैं y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, यहां से भी सॉल्व करके इक्वेशन निकाल सकते थे, ये वन मार्कर है, वन मार्कर में गिवन थोड़ा उसी तरीके से सॉल्व करना है। 34 से 39 माइनस समझा दो। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स सपोज 1, 2, 3 माइनस 1, 2, 9, 4, 5, 6 है, हम लोग ये आपका इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग माइनस निकालते थे, फिर कोफैक्टर निकालते थे। माइनस हो जाएगा m11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को काट दो तो आपके पास जाएगा 2, 9, 5, 6। सॉल्व करिए हो जाएगा हमारा 12 minus 45 = -33। ऐसे ही आप m12 निकाल लेंगे, m12 जब निकालेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल कर देगा -1, 9, 4, 6 - 6 - 36 = -42। तो इस मैनर से हम लोग 9 माइनस निकाल लेंगे, फिर आपको निकालने कोफैक्टर, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल A से, जो कि होता है अपना फार्मूला -1 - 1 I j निकालेंगे माइनस वन की पावर इवन है तो वन ही हो जाएगा तो हमारे पास माइनस थर्टी थ्री है माइनस वन की पावर इवन है तो वन ही हो जाएगा तो आप को फैक्टर्स निकालोगे को फैक्टर निकालने के बाद आप को फैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करोगे, को फैक्टर मैट्रिक्स में यहाँ पे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो आपके पास एडजॉइंट A बन जाएगा, आपके पास एडजॉइंट A आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, adjoint upon determinant of A, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जस्टिन
डाउट 40 to 46 में 45 में डाउट है। प्रकाश सना 45 का क्या आंसर रहेगा? यहाँ पे आपके पास बोल रहे हैं ड्रॉइंग का बे डिटरमिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या प्रॉपर्टी है इसकी प्रताप सिंह? एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होता है? हां जी बायजूस सबसे आगे तनिष शर्मा जॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? ये तो बायजूस से तैयारी कर रहे हैं, ये मेंस की तैयारी कर रही है। डिटरमिनेंट ऑफ एन माइनस वन यही होगा निकालना क्या क्वेश्चन में निकालना क्या है आपसे पूछ रहा है 45 दोनों क्या है स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव फॉल्स। अगर एडजॉइंट डिटरमिनेंट और n माइनस 1 है कंपेयर कर लो पावर्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑर्डर आ गया 3। ये ऑर्डर कितना बोल रहा है? ये ऑर्डर 2 बोल रहा है। क्या आंसर आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है अगला डाउट तो डाउट ही नहीं है सर 49th में डाउट है ना आपको 49 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द इक्वेशन हैज नोस गिवन दैट दी कब केस होगा यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x is equal to p this exists x की वैल्यू a इनवर्स b होगी x इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा हमारे पास। अब ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो होगा। अगर डिटरमिनेंट ही जीरो हो जाएगा तो आपका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन फ्रॉम माइनस टू माइनस वन टू 1 minus 2 1 then we have 1 1 lambda equal to 0 put the lambda ka answer aa jayega yahan se answer kisi check kar de ek baar nahi karenge good agla doubt 50 teen equations given hai the two equations are determined by question number 50 50 में आपके पास इक्वेशन गिवन है a1x plus b1y is equal to c1 a2x plus b2y is equal to c2 the nature of the solution यहां से आपका ax equal to b x is equal to a inverse b in that case a जो है वो हमारा बनेगा a1 b1 a2 b2 ये आपका a बन जाएगा और आपको बोल रहे दिस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर। अब ये केस एग्जिस्ट कब करेगा? जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0 सही है ये। और देखो यहां पे भी यही गिवन है a1 b2 माइनस a2 b1 अगर ये पूरा का पूरा हमारा जीरो हो जाएगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो क्या पूरी की पूरी कंडीशन किसके ऊपर ट्रू है? इसी लैग्रेंज के ऊपर डिपेंडेंट है। और यही आपको बोल रहा है
इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. किसी पर डिपेंडेंट है? यस, दिस डिटरमाइंड बाय दिस ओनली. तो दिस इज ट्रू. क्लियर है? अगला 53 से 58, 59 सॉल्व करें बेटा आपने पक्का? इधर से करें है ना आपने सॉल्व? 59 क्वेश्चन पेज नंबर 66, 59 पेज नंबर 66. आपके पास गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 0. यही वाला क्वेश्चन हमने पहले भी करा था कि आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है, तो उसमें हमने देखा था कि उसका डिटरमिनेंट नहीं था तो आपने क्या करा था, जीरो आ रहा था. आगे बोल रहा है आपका तो पहली वाली असर्शन है ये हमारी ट्रू हो गई है. रीजन इसका बोल रहा है A transpose is equal to transpose determinant of A. ये statement भी true है. And minus of A is equal to minus A transpose. क्या ये दूसरी condition true है? क्या दूसरी condition true है? कि अगर मैं किसी भी matrix का matrix को पहले minus से multiply करूँ और फिर determinant लूँ और फिर determinant को minus से multiply करूँ, क्या ये second condition true है? सना साधिका निश्चय पंडिका सहज तस्लीम सन एहसास, क्या ये सेकंड कंडीशन ट्रू है? दो चैट बॉक्स यूज कर लो, ऑनलाइन पे बैठे हैं या ऑफलाइन वाले भी लू लो के बैठे हैं, कुछ ना इसको समझ आ रहा है बोर्ड पे क्या चल रहा है. हाँ जी जगदीप, एंडिंग तैयारी हो रही है? हाँ जी जी पता ही नहीं. ये ट्रू है दूसरी से भी, ये ट्रू है फॉल्स है? ये पहले वाला पार्ट का ट्रू है, दूसरे वाले पार्ट का आंसर बताओ. क्या दूसरी वाली कंडीशन ट्रू है? शादी कह रही है सर यस, सहज यस, सना यस, बाकी लोग सबने बोले फॉल्स है. अब इसको ना ट्राई करके, हाँ सबने फॉल्स बोला बेटा, सबने तीनों ने फॉल्स बोला. अब नहीं समझ आ रहा तुम्हें कि सर ये गलत है, फटाफट से एक मैट्रिक्स ले लो ना यार, कितनी देर लग रही है? क्योंकि दूसरे वाले केस में ये थोड़ा बोला कि ऑर्डर 3 है, इसी को कंसीडर कर लो. 4 माइनस 6 माइनस 2 आ जाएगा, तो ए का डिटरमिनेंट आ गया माइनस 2 आ गया, बाहर माइनस लगा है तो माइनस लगा दूंगा तो प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर कह रहा है अगर हर एक एलिमेंट को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा फिर डिटरमिनेंट लगाओ तो 4 माइनस 6 पर आ गया माइनस 2. क्या स्टेटमेंट ट्रू हो गई? नहीं हुई, तो ये फॉल्स है. तो रीजन जो है बीच में एंड लिखा हुआ है, पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत हो जाए पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है पहले वाले को? नहीं कर रहा. ए सही है दूसरा वाला गलत है, कौन सी कंडीशन आ जाएगी? ये सी पार्ट मार्क करेंगे व्हेन असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. कोई क्वेश्चन नहीं आता फटाफट एग्जांपल लो और सॉल्व कर लो उसको. नेक्स्ट करेंगे. सबके फोन सबके पास है क्या आज बेटा? फोन सबके पास है?